लुधियाना दे हलका दक्षणी तो साबका विधायक अते एसजीपीसी मेंबर बलविंदर सिंह बैंस ने एसजीपीसी चोणां नूं लैके वड्डा बयान दिता है। बलविंदर सिंह बैंस ने पत्रकार नाल गलबात करदे होए कहा कि एसजीपीसी दा बादल परिवार तो खैड़ा छडाउण लई बीबी जगीर कौर वल्लों बगावत दा ओह स्वागत करदे ने। कहा कि देर आई दुरुस्त आई, बीबी जगीर कौर दी आत्मा जागी है अते ओह उहनां दे नाल ने। बलविंदर सिंह बैंस ने यह भी कहा कि वह बाकी मैंबरां नूं भी बीबी जंगीर कौर के हक विच वोट पाउण लई अपील करनगे। जे न्यूज़ पंजाबी लई लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। कल नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की सालाना चोण है, उहदे ते गल करन तो पहला तुहाडे चैनल राहीं कुल संसार च बैठे नानक नाम लेवा सिख नूं सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आगमन पुरब की करोड़ करोड़ मुबारक आखदा, पर बेनती करदा कि कल नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान की चोण आ, और ये चोण कैसी है? इस बारी चोण पहलियां चोणां नालों हटके है, रौला पिया होया। बीबी जी कुछ होर बोलते है, सर सुखबीर सिंह जी कुछ होर बोलते है। हुण बीबी जी सवाल करते हैं, देखो भी दसो जी मेरे खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई है, अजे चोण तां आउणी है, कार्रवाई पहलां होगी। हुण रौला की है कि सर सुखबीर सिंह भी उन्हां सवालां दे जवाब नहीं दे सके। देखो गल्लां दो ने, बीजेपी नाल सुलह, अज बीजेपी माड़ी है, जे अज भी सुलह सर सुखबीर सिंह बादल राही होवे फिर बीजेपी चंगी है। मैं तां इह गल कहनी चाहुंदा हथ जोड़ के सिर झुका के जथेदार जी नूं बेनती करदा, अकाल तख्त साहब दे जथेदार जी नूं, जथेदार जी तुसीं पंथ इकट्ठा करन दी अपील कीती, पर किन्ना वधिया होवे भी अजे करीब करीब 24 घंटे हैगे है ते तुसीं मैंबरां नूं इह गल कहो। मेरा सुझाव है नवाणे सिख दा कि आत्मा दी आवाज़ नाल वोट पाओ। हुण हालात ऐसे है, पहला श्रोमणी अकाली दल कगार ते खड़ा है, रौला की है, झुंदा दी रिपोर्ट अजे तक ठंडे बस्ते च पई है, दबी पई है, ते जिहड़ा अकाली दल नाल संबंध रखदा उह सवाल तां पुछ सकदा ना कि प्रधान जी उस रिपोर्ट दा की बणिया। हुण प्रधान जी मूहरों कहिंदे सारा ढांचा भंग ते प्रधान कायम। जे हुण ढांचा भंग हो गया तो फिर अनुशासनी कमेटी कितों आ गई? फिर तो अनुशासनी कमेटी रह नहीं जाती। तो वह सज्जन बीबी के खिलाफ बोल रहे हैं जिहड़े मैंबर नहीं यार, कोई जिहड़े मैंबर बने हैं वह सत्कारयोग है, लोगों ने वोटा पा के चुने, वो कोई कमले तो है नहीं भी उन्होंने पता नहीं भी वोट कितने पानी है। उन्होंने तो यह घट्टो घट इन्ना तो कहना चाहिए जथेदार जी को कि भी आत्मा की आवाज़ नाल वोट पायो। जिहड़ा सिख अकाली दल नूं बचाउणा चाहुंदा, जिहड़ा सिख पंथ नूं बचाउणा चाहुंदा, जिहड़ा सिख पंथ की डिगदी हुई बेड़ी नूं रोक के दुबारा उच्चे पासे लैके जाणा चाहुंदा, वह हरेक सिख सोचदा, हरेक सिख नूं समझ है कि वह सिख हुण सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं अपना लीडर मनण लई तैयार नहीं हैगा। तो जे सर सुखबीर सिंह नूं अकाली दल लीडर मनण लई तैयार नहीं, तो सुखबीर सिंह बादल वल्लों लाया होया अनाउंस किया हुआ प्रधान वो किवें मन्या जाऊगा? बहुत चौराहे च लिया के सिख कौम खड़ी करती, पर मैं अपने साथी मैंबरां नूं सिर झुका के बेनती करदा यार वोट आत्मा की आवाज़ नाल पायो। उत्ते जाके भी लेखा जोखा होना, लोगों ने बहुत वड्डी आस करके आप जी नूं बड़े सत्कार नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा मैंबर बनाया। तो अज असल विच प्रधान की चोण जे मैं कहां घटिया तो मैंबरां की प्रीख्या की घड़ी है भी मैंबर कित्थे खड़दे आ। सवाल आ जांदा, तुसीं मुद्दा चुकिया सी जदों बीबी जगीर कौर प्रधान बने सीगे, काफ़ी तुसीं मुद्दा चुकिया, सुखबीर सिंह बादल खिलाफ़ भी तुसीं बोले सीगे, तुसीं होरनां मुद्दयां नूं लैके भी बोले सी कि अज बीबी जगीर कौर बोल रही है ते हुण ओह सही है? मैं ये नहीं कहा कि बीबी जी सही है, सुनो सुनो, दो दुश्मन है साढ़े, दो दुश्मन है, एक दुश्मन वड्डा है एक छोटा है। तो पंजाबी लोग आम कहिंदे कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त,
मैं कदों किसी को सर्टिफिकेट देता कि फलाना दोनों चो बहुत चंगा है। मैं तो यह कहना कि रल के उहदे चो वड्डा हिस्सा जिहड़ा अकाली दल नूं डोबण च उह बादल परिवार दा है। तो जे हुण कोई बादल परिवार के मुकाबले च उहदे सामने अड़के खड़ा होया तो भी फिर आत्मा तो यह गल कहिंदी है भी जिहड़ा अड़के खड़ा होया घट्टो घट्ट उहदे नाल मोढा तो ला दईए। देखो जी मैं तां तुहाडे हाथ जोड़ के बेनती की है सारे मैंबरां नूं आख्या कि भरावो ये अकाली दल नूं दोबारा जिउंदा करन दा साडे कोल समां आया। अकाली दल दोबारा जिउंदा हो सकदा जिहड़े बंदे हुण तां अद्धे बंदे तां कहिंदे साडी बेवसी है। झुंदा दी रिपोर्ट कहिंदी है साडी बेवसी है। बेवसी क्यों? क्योंकि प्रधान मनण लई तैयार नहीं। उह कहिंदा मैं तां प्रधान हैगा बाकी कोई वी है नहीं। ते फिर हुण जे प्रधान नूं लांबे करना पंथ की चढ़ती कला करनी है श्रोमणी अकाली दल नूं मुड़ तो सुरजीत करना ते जिउंदा रखना ये बहुत सुनहरा मौका है। फिर सवाल ये भी आ जाता है कि कितने ना कितने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके मनुक्का साहब ने साफ तौर पर कहा है कि वजीर आनंद माणिया आके पार्टी के अकाली दल ने काफ़ी मान सम्मान दिता मलाइया खाधिया तो अच्छ पार्टी की पिट से छुरा मर रहा है। देखो गल ये मलूका साहब की सोच हो सकती है क्योंकि मलाइया खाने वाले उस धड़े च वो आप भी हैगे है। जे मलाई वंड के खाधी है ता ही कह रहे हैं। यदा मतलब है भी हुण मलाई तो खिलाती हुण मलाई खिला के किसी नूं मतलब बेदीन भी नाल करना। मैं तो यह कहना सारिआं नूं भी भरावो चाहे किसी ने तुहाडे चों मलाई खाधी तो चाहे नहीं खाधी पर इस बारी वोट आत्मा की आवाज़ नाल पायो। जे मरिया होया सापा श्रोमणी अकाली दल दे गल पै गया जिहड़ा प्रधान मरिया होया सापा पंजाबी च कहना जे तो जिउंदा सप्प होवे ना फिर वह आप ही हिल हुल के उतर जाता गल चो तो जो सप्प मरिया होया गल च पै जाए ना फिर उन्होंने चुक के लाना पैंदा। ये बहुत सुनहरा मौका कल नूं मरे हुए सप्प नूं गलों लाउण दा। ते मैं तो अपने सारे साथी मैंबरां नूं ये कहना चाहुंदा कि यार पिछले जे कोई गिला शिकवा भी हैगा ना उन्हूं छड्ड दिओ ते एक बार मरिया होया सप्प गल चों ला दईए तां कि पंथ की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस शाख नूं आपां मुड़ तो उच्चा कर सकीए। सारा विवाद जिहड़ा वा इक बयान तो शुरू होया बीबी जगीर कौर ने कहा कि प्रधान जी नूं लफाफा कल्चर जिहड़ा वा उह बदलना चाहीदा वा। की लगदा कि तुसीं वी श्रोमणी अकाली दल दे विच रहे हो लंबे समय तो एचजीपीसी दे मैंबर वी रहे हो कि प्रधान जी नूं लैके लफाफा कल्चर नूं जिहड़ा बयान है उहदे विच किन्नी कु सच्चाई है? उहदे च 100% जिहनूं इंग्लिश च 100% कहिंदे आ 100% सच्चाई है। मैं उस पवित्र सदन का मैंबर हाँ मैं अकाली दल दा तुसीं कहा कि मैं नाल भी रहा हाँ मैं मानदा मैं नाल रहा ते पर जे 1 बजे मीटिंग शुरू हुंदी है ना ते जां तां 1 बजे उन्हां बंदिआं नूं पता हुंदा जिन्हें ना प्रपोज करना या इन्हें जिन्हें ताईद करनी है जिन्हें मजीद करनी है जां जिन्हें बनना वह 3-4 बंदिआं नूं 1 बजे पता लगता तो उस तो पहलां उन्हां मैंबरां नूं भी पता नहीं हुंदा वी किहने प्रधान बनना किहड़े लफाफे चों किहदा नां निकलना। ये गल तो देखो हैगी दुरुस्त आप रब नूं जान देनी है आप झूठ नहीं बोलते। ये गल 100% दुरुस्त कि लफाफे चों किहदा नां निकलदा जां कहिंदे सी उत्ते वाले नूं पता ते जां बादल परिवार नूं पता ये तो सही है गल। तुहानूं लगदा कि हुण ये जिहड़ी एचजीपीसी दी चोण है इहदा पंजाब दी राजनीति दे उत्ते आने वाले दिनां दे विच वड्डा असर पै सकदा वा जिस तरह दी हुण राजनीति हालात बणे हुए ने? देखो जे तां मैंबर पाउण आत्मा दी आवाज़ नाल वोट तो अकाली दल मुड़ सुरजीत हो सकता पंथ मुड़ के चढ़ती कला वल जा सकता श्रोमणी अकाली दल मुड़ के सरकार बना सकता। तो जे कि रब ना करे चूक आ गई फिर तो उ कुछ होगा जोड़ा कुछ पहला होया बहुत मंदभागा कि पंजाब के बच्चे जोड़े से वो नशिया वालों डाइवर्ट हो गए। ये बहुत मंदभागा कि पावन स्वरूप चोरी कहिंदे हो गए वो अज तक पता नहीं लगे बरगाड़ी च अकाली दल की सरकार च कहण कहाउण नूं अकाली दल की सरकार सी ना ते पर उदों बरगाड़ी च गोलीकांड होया पावन स्वरूप पत्रा पत्रा करके खिलारिया गया फिर दोषी कौन किसी ना किसी नूं तां दोषी जे अज आपां आत्मा की आवाज़ नूं नहीं सुनते ना आपां अखां मीट के वोट पा दिंदे आ तां फिर मैं समझदा
ਉੱਪਰਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਏ ਕਿ 20 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੋਣ। ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਸੀ ਸੜ ਗਈ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਵੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ 20, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ 20 ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਲਪੇਟ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।